सही खेल रहे हैं ये फुंदरू दस्त, तो फुंदरू नौ से भी तेज है। अब मैं भी तेज बनूंगा और उस काले चोर को पीछे छोड़ दूंगा। नहीं, उसे पीछे नहीं छोड़ना, उसे तो पकड़ना है, कस के पकड़ना है। बस हल्के से पकड़ूंगा। शहजादे, खुद से क्या बातें कर रहे हो? आइए आइए, शिरकुरमा खाइए। शिरकुरमा? माफ कर दीजिए। आदाब उस्तानी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या लग रही हैं आप, बहुत खूब। उस्तानी जी, आज सुबह से मैं बड़ा ही उदास था, लेकिन आपको देखते ही अच्छा जासूस करने लगा। महसूस करने लगा। आपने क्या सुना? बड़ी उस्ताद तुझे से क्यों देख रही गुलबदन? कुछ गड़बड़ है क्या? अब ठीक है, बेहतर। मैंने तुर्किस्तान के पहाड़ देखे, पत्थर देखे, लेकिन इनके जैसा पत्थर नहीं देखा। ये कोई मामूली तालीम घर नहीं है, यहां सब कुछ मिल सकता है पर माफी नहीं मिलती। ये तालीम घर तीन उसूलों पर चलता है, तालीम, तहजीब, तजुर्बा। इस तालीम घर में कोई पत्थर भी आ जाए तो हम उसे तराश कर हीरा बना देते हैं। और अब वक्त आ गया है इस तालीम घर के हीरों में से सबसे चमकदार हीरे को चुनने का। हर साल की तरह इस साल भी वो मुकाबला होगा, वो मुकाबला जिसमें हिस्सा तो आप सब लेंगे पर एक, सिर्फ एक बनेगा इस साल का तालिबे इल्म। सबसे होनहार शागिर्द। और इस साल ये मुकाबला और भी खास होगा क्योंकि ये साल इस तालीम घर का 18वां साल है। 18 साल पहले एक अजीमो शान शख्सियत ने इस तालीम घर की नींव रखी थी। बगदाद के हर दिल अजीज सुल्तान, शैतान का सच्चा यार, सफर कत्ल को है तैयार, सफर जल्द बताओ कैसे लग रहे हैं तैयार सफर। उफ, अय्यारे आलम तो कहीं हमारी ही नजर ना लग जाए। रूठी हूं पर सच तो बोलना पड़ेगा ना, कमाल लग रहे हैं, एकदम चमक मार रहे हैं।
हाँ नहीं तो भाईजान आ गई मोहब्बत की दुश्मन, फिर मुलाकात होगी। भाईजान आपको नया अलादीन चाहिए ये तो समझ आए, पर आप उसकी अम्मी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? नेकी समझते हो तुम? मैं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। कमीनेपन में बहादुरी को मिलाओ। बनता है सफर, उसी कमीनेपन में नेकी को मिला दो तो बनता है अलादीन। और हमें नया अलादीन चाहिए, इसलिए हमने एक ऐसी औरत को चुना जिसकी सिखाई भी नेकिया, जिसकी सिखाई भी फर्मा बरदारी, जिसकी सिखाई भी यह आदत के हमेशा सही राह पर चलना और सच्चाई का साथ देना। इन सारी सिखाई हुई चीजों की वजह से हमें नया अलादीन मिले और इस पूरे बगदाद में वो औरत है। इतने सालों से जो आप लोगों को तालीम मिली है उसका हुनर दिखाने का वक्त आ गया है। बहुत जल्द मुकाबले शुरू होंगे और जो भी जीतेगा उसे हर दिल अजीज सुल्तान जफर एक खास मुहिम के लिए चुनेंगे। कैसी खास मुहिम मुस्तानी जी? वो तो कोई नहीं जानता, पर हम इतना जरूर जानते जो भी उस मुहिम के लिए चुना जाएगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या उसका मतलब यह है कि उसे इस तालीम घर से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी? उस्तानी जी, जो भी एक बार इस तालीम घर में आता है उसे बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं होती? क्योंकि दुनिया तमाशा है और तालीम तमाशे से जितनी दूर रहे उतना बेहतर है। अब आप लोग अपने अपने दर्जों में जा सकते हैं। हम बहुत ऊंचे दर्जे के कमीने हैं। इन 18 सालों में रुखसार को एक ही बात याद है, एक ही मकसद, और वो मकसद है नया अलादीन। अरे हुजूर जरा हंसिए तो। आप जानते हैं मैं एक बार किसी चीज को पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं। अच्छा तो फिर काला चोर कैसे छूट गया? दस्तरखान हटाओ यहाँ से, आज के बाद शहजादे के कमरे में एक दाना भी नहीं आएगा। और आप बताइए कल हुआ क्या था? बैठिए, आप बैठिए सुल्तान बैठिए। ये काला चोर और ये मैं। काला चोर आगे आगे है और मैं उसके पीछे पीछे पीछे, समझ रहे हैं? फिर वो कूद कर एक छत पर गया और मैं भी कूद कर छत पर गया। आप छत पर, वो भी कूद कर? जी, वो एक छत पर, मैं दूसरी छत पर। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। वो यहाँ तो मैं वहाँ, वो ऊपर तो मैं नीचे, वो यहाँ फिर यहाँ, वहाँ यहाँ, यहाँ वहाँ, वहाँ यहाँ, यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, सारा यहाँ, सारा जहाँ, सारा जहाँ। और फिर मैंने उसकी आंखों में देखा और उसकी झील सी आंखों में देखता रह गया। काले चोर की आंखें झील सी गहरी, झील
मैं झील से ना, पर मैंने तो चील का चील सी आंखें थी उसकी, तो मेरी आंखें भी बास जैसी थी। बास की कमर लोहे की ढाल और अलादीन की शलवार पर शक नहीं करते। शलवार? आपने शलवार सुना? पर मैंने तलवार कहा। अलादीन की तलवार पर शक नहीं करना। तो आपने उसे पकड़ लिया था? पकड़ लिया था सुल्तान, पकड़ लिया था। छोड़ दिया। आपको भी चाहिए सुल्तान? आप तो जानते हैं ना कि हमारे दिल में कितना रहम है। वो काला चोर हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू देखकर हमने उसे जाने दिया। अच्छा, तो जाते जाते वो आपका जड़ाऊ कड़ा भी ले गया? जी, हाथ की सफाई तो कमाल की थी। ऐसा लगता है कि हजार बार तो वो हाथ धोता ही होगा, और धोना भी चाहिए, अच्छी बात है। हाथ की नहीं, दिल की सफाई सुल्तान, दिल की सफाई। हमने भी खाकर उसे रहम कड़ा दे दिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हमने भी कड़ा खाकर उसे रहम दे दिया। नहीं नहीं, ये हमने भी रहम खाकर उसे कड़ा दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, आओ मेरे शहजादे, आओ। आपकी ये दरिया दिली देखकर तो हमें भी मन कर रहा है कि हम भी ऐसा ही कुछ करें। तो आप भी किसी को एक दो कड़े दे दीजिए। नहीं नहीं, ये कड़े कंगन नहीं, हम तो अपने सारे हीरे जवाहरात, हमारी सल्तनत, हमारा तख्त, सब कुछ दे देंगे, वो भी गरीबों को। नहीं नहीं सुल्तान, गरीबों को मत दीजिए। देना है तो हमें दे दीजिए, हमसे बड़ा गरीब कौन है। अल्लाह के नाम पर एक सल्तनत दे दीजिए। खामोश। अगर आपको हमारी सल्तनत चाहिए तो 24 घंटे के अंदर वो काला चोर सलाखों के पीछे होना चाहिए, वरना 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 हमें ये जानकर तो खुशी है ही कि आप भीख मांगना तो जानते हैं। काले चोर को कैसे ढूंढूंगा, कहाँ ढूंढूंगा? अभी तो सिर्फ दूर से खूबसूरत दिखता है, जब मैं शहजादी बन जाऊंगी ना, तब पास से भी खूबसूरत दिखेगा। अभी तो ये सिर्फ मेरा मुल्क है, तब ये मेरी सल्तनत होगी। मेरा बच्चा है तू? एक ऐसी सल्तनत जहाँ बड़ा छोटा, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं होगा, जहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, किसी को अपना घर नहीं छोड़ना होगा, सब खुश होंगे, सब बराबर होंगे। अभी सल्तनत दौलत वाले के हाथ में है, जल्दी ही दिल वाली के हाथ में होगी। ऐसा नहीं है, अपुन ने सुना है अपना सुल्तान एकदम झक्कास आदमी है, सल्तनत के लिए बहुत कुछ करता है, पर सल्तनत इतनी बड़ी है, कितना भी करने का कम पड़ जाने का, शायद उसको अपने हाल का पता ही नहीं है। कैसे पता होगा चटर पटर, सुल्तान बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो बुजुर्ग है, उन्हें सल्तनत चलाने के लिए मदद चाहिए, और जिसे मदद करनी चाहिए वो तो निकम्मा है। कौन? वो ही शहजादा, आलसी निकम्मा शहजादा। बिड़ू, ऐसा चांदी की थाली जैसा मुंह लेकर घूमना भी बहुत बड़ी भलाई है, सब लड़की लोग का भला हो जाता है ना। जब मेरी सल्तनत होगी ना, तब उस निकम्मे से खेतों में हल चलवाऊंगी। वो हल चलाएगा, पसीना आएगा, वो कमीज उतार के हल चलाएगा। तू और तेरा गंदा दिमाग, कभी कुछ और भी सोच लिया कर। सोचने को ऐसा रापचिक लड़का हो तो कोई कुछ और क्यों सोचे, तू भी सोच सोच सोच, उस दिन तो कह रही थी तेरा हो के ही रहेगा है? मैं कड़े के बारे में कह रही थी। अच्छा, तो अब कड़े वाले के लिए कह दे। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बच्चों, हम इस तालीम घर से बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि हम इस तालीम घर के कैदी कैदी। सुल्तान सफर के कैदी, और ज्यादा वक्त तक नहीं। ये आंसू ही वो सैलाब लाएंगे जो जुल्म को बहाकर ले जाएगा।
लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ ना खुदा से मांगा दोबारा सुल्तान जी, हम एक ऐसे बदनसीब बाप जिनका बेटा दोपहर के 2 बजे तक सोता है। आप तुर्किस्तान के शहजादे नहीं, आलस के शहजादे हैं। सुल्तान, हमने अम्मी को देखा ख्वाब में। अपनी अम्मी को? जी, वो लोरी गा रही थी, हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे, उनका चेहरा देखने ही वाले थे, ये आपने पानी डाल दिया। तो ख्वाब में आपने अम्मी की लोरी सुनी, तो अब जागते वक्त अब्बू की डांट भी सुन लो। 24 घंटे हैं आपके पास काले चोर को पकड़ने के लिए, उसमें से 2 घंटे बीत चुके हैं। हमें लगा कि आप मजाक हमारे साथ सुल्तान कर रहे थे। नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि हमें लगा था सुल्तान को मजाक कर रहे थे। हमें लगा था कि आप हमारे साथ। हम मजाक नहीं करते शहजादे। करना चाहिए थोड़ा सा। वैसे हमारे दोस्त कहाँ है? वो आपके दोस्त नहीं है। जिस दिन ये दौलत शौहरत खत्म हो जाएगी ना, उस दिन आपको वो चले जाएंगे हमें छोड़ के। सुल्तान, ये बात आप कितनी बार हमें कहेंगे? पर आप समझते ही नहीं ना। आदाब सुल्तान। हिंदुस्तान के राजकुमार ने आपकी और उनकी दोस्ती की खातिर ये तोहफा आपके लिए भेजा है, ये नायाब हीरा। वैसे एक हीरा हमारे पास भी, बस उसे तराशना बाकी। आप इस हीरे की ओर देखेंगे भी नहीं। सुल्तान, हीरे की तरफ हम नहीं काला चोर देखेगा। मतलब ये कि हमें काले चोर तक जाने की जरूरत नहीं है, इस हीरे के लिए काला चोर हम तक आएगा। और आप फिक्र मत कीजिए, इस हीरे को हम कुछ नहीं होने देंगे। और वैसे भी आज अम्मी को हमने ख्वाब में देखा है, उनकी दुआ हमारे साथ है, आज सब कुछ अच्छा होगा। चलिए जाइए, तैयार हो जाइए। जी, हमें तैयार किया जाए। शहजादे ने मलिका को ख्वाब में देखा, पर शहजादे 8 महीने के थे जब उनकी अम्मी गुजर गई। उन्होंने तो अपनी अम्मी को देखा तक नहीं। तो ख्वाब में किसे देखा फिर? सुनो सुनो सुनो, आज हिंदुस्तान से एक नायाब काल हीरा आया है। हमारे प्यारे शहजादे ने उसे अजैब घर में रखवाया है ताकि हर आम और खास उसे देख सके और उस पर फक्र कर सके। नायाब हीरा, नायाब हीरा। क्या सोच रही लिए? सोच रही हूँ कि वो हीरा अजैब घर में रखे रखे गरीबों के किस काम आएगा। किसी भी नहीं। वो हीरा तो किसी ऐसे शख्स के पास होना चाहिए तो उससे गरीबों की मदद कर सके। चटर पटर। हाय अल्लाह, चिल्ला काय को रही है? अगर वो हीरा मुझे मिल जाए तो मेरे पास गरीबों की मदद करने के लिए दौलत भी होगी और ताकत भी। पर वो हीरा तेरे को मिलेगा कैसे? रात को कड़ा चुराना अलग बात है और अजायब घर से हीरा चुराना अलग। और अब तो शहजादे ने तेरा थोबड़ा भी देख लिया है।
हाँ तो मैंने भी देख लिया है कि वो कितना बड़ा निकम्मा है। और वैसे भी जहाँ उसकी सोच खत्म होती है ना, वहां से तो मेरी सोच शुरू होती है। वो बेचारा ऊंचाइयों से डरने वाला और मैं आसमानों को छूने वाली, और उसे कहाँ पता डर के आगे हीरा है। तू देखना कल कैसे उसकी नाक के नीचे से हीरा चुरा के आसमानों में गुम हो जाऊंगी। तुम्हें लग रहा होगा कि कल तुम हमारी नाक के नीचे से ये हीरा चुरा लोगी, पर ऐसा होगा नहीं काली चोरनी। तुम्हें आसमान में उड़ने का बहुत शौक है ना, कल अगर हमने तुम्हारी नाक जमीन में ना रगड़वा दी तो हमारा नाम भी शहजादा अलादीन है। कल हम पूरी तैयारी के साथ तुम्हारा इंतजार करेंगे। ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा शहजादे, बस तैयारी पूरी रखना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.